हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी दिन के बज रहे हैं 12 और गर्मी बहुत हो गई है, लेकिन फिर भी हम जा रहे हैं मार्केट कुछ खाने के लिए। तो सोचा एक छोटा सा ब्लॉग बना लें और आप लोगों के साथ शेयर करें, तो चलते हैं। और हमारे साथ में जा रही है पूर्वी, तो देखते हैं क्या खाते हैं हम और थोड़ा बहुत सामान भी लेके आएंगे। तो धूप तो बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, देखो कितनी धूप है, लेकिन फिर भी जाना है। तो आपसे मिलते हैं मार्केट में। अरे रे रे रे, अभी मार्केट नहीं जाएंगे। मार्केट जाने से पहले एक बहुत ही ज़रूरी बात आप लोगों के साथ शेयर करनी तो बनती है, वो है आपके चेहरे के लिए, आपके चेहरे की स्किन के लिए। अगर आप भी अपने डल ड्राई स्किन से परेशान हैं और बाहर जाने के पहले हज़ार बार सोचना पड़ता है कौन सी सनस्क्रीन यूज़ करें, क्या करें, उस सबका सॉल्यूशन लेके हम आए आपके लिए। तो सोचा भी बता दें, फिर चलेंगे मार्केट। तो ये है शार्टन बाय जीएससी का ग्लो स्किन सीरम। ये आपके फेस को एकदम ग्लो करेगा, हेल्दी करेगा और ड्राई डल स्किन को दूर करेगा। तो इसमें क्या क्या है, सबसे पहले वो आपको बताते हैं। इसमें नियासिनमाइट, विटामिन सी, मुल्तानी मिट्टी, कोकोआ बटर और टर्मरिक एक्सट्रैक्ट। और इसकी सबसे अच्छी बात तो वही हमें लगी है कि अगर मार्केट जा रहे हैं, कहीं भी बाहर जा रहे हैं, गर्मियों का मौसम है तो सबसे ज़्यादा टेंशन रहती है धूप की, धूप में क्या करें क्या लगाएं। तो ये आपको धूप से भी प्रोटेक्ट करेगा। और सेकंड चीज़, कैसे यूज करना है, कैसे बाय करना है, इसकी टेंशन है ना, वो भी हम आपको अभी बताते हैं। तो इसको यूज करने के लिए सबसे पहले, तो ये रहा हमारा शार्टन बाय जीएससी का ग्लो स्किन सीरम। तो सबसे पहले आपको फेस वॉश कर लेना है, उसके बाद इसकी 3 से 4 ड्रॉप्स अपने हाथों पर लेनी है और फिर आपको अच्छे से इसको अपने चेहरे पर लगा लेना है। इसके बाद आपको अपनी फिंगर्स की मदद से अपने चेहरे पर सर्कुलर मोशन में मसाज भी करनी है। इसकी जो खुशबू है वो काफ़ी प्यारी है और इसको हम बहुत टाइम से यूज़ कर रहे हैं। इससे स्किन पर ग्लो भी आया है, नेचुरल ग्लो, और स्किन काफ़ी सॉफ्ट भी हुई है। और अगर आप इसके बेस्ट रिजल्ट्स देखना चाहते हैं तो आपको इसको डेली यूज़ करना है। और डेली के लिए वैसे भी टेंशन रहती है क्या यूज़ करें, तो ये सीरम बेस्ट है। आपकी स्किन पर ग्लो लाएगा, डल ड्राई स्किन को ख़त्म करेगा, प्लस आपकी स्किन को हेल्दी बनाएगा। तो इसको बाय करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक पर जाके आपको क्लिक करना है, फिर बाय करना है। तो अब निकलते हैं मार्केट के लिए। तो फाइनली अब हम आ गए हैं मार्केट और यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो सबसे पहले हम पियेंगे स्लाइस। और हमने मंगाए हैं यहाँ पर नूडल्स, तो ये नूडल्स हैं बिना प्याज वाले, क्योंकि हम प्याज नहीं खाते हैं। और पूर्वी ने अपने लिए मंगाए मोमोज, तो वो थोड़ी सी देर में आएंगे। तो सबसे पहले ये नूडल्स को हम दोनों मिलकर ख़त्म करते हैं और फिर जो पूर्वी के मोमोज आएंगे वो ही खाएगी। आप लोगों को खाना है तो आप भी आओ यार, हमें अच्छी नहीं लगी। तो ये देखो पूर्वी के मोमोज आ चुके हैं और इनमें प्याज है तो हम नहीं खाने वाले इनको। क्या खा रही हो? मोमोज। खा के दिखाना। वाह यार, तुम्हारे तो मजे हैं। इतने सारे अकेले खाओगी? और क्या, ये फेवरेट है। नूडल्स बिल्कुल भी टेस्टी नहीं थे, लेकिन फिर भी हमने पूरे खा लिए। और ये देखो पूर्वी के 2 मोमोज अभी भी रखे हैं और मैडम को नखरे आ रहे हैं, खा ही नहीं रही है। A few moments later. आ चुके हैं अपने घर और बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, एकदम से गर्मी आ गई। अभी सर्दी थी, अब गर्मी आ गई, ऐसी मौसम में तबीयतें ख़राब होती हैं। और मार्केट में भी धोखे हुए हमारे साथ, आज मार्केट बंद था, आज होलिका दहन वाले भी बंद है। कल होली है, कल बंद होना चाहिए, हमने तो सोचा कल ही बंद होगा, लेकिन आज भी बंद है। बहुत कम दुकानें खुली थी, बहुत कम, तो जो भी थोड़ा बहुत काम किया और फिर थोड़ा बहुत खाया। एक रेस्टोरेंट खुला मिला तो उस पर खाया और फिर जल्दी से घर पे आ गए। अभी 4 बज रहे हैं, 4 बजे आ गए, बल्कि वैसे हम लेट हो जाते हैं, इस बार लेट वेट नहीं हुए, टाइम से अपने घर आ गए। तो
ब्लॉग को करते हैं एंड। अगर कुछ पसंद आया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।